अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में अपने वालिदैन के साथ खैर आफियत से होंगे। क्लास सिक्स, आज हम मैथ्स का नेक्स्ट जो है वो टॉपिक स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा पैगाम सुन लें सबसे पहले कि हमारा आज का पैगाम है बेअदबी नहीं करनी, ठीक है? बेअदबी, अदब से अदबी है कि किसी के अदब में कमी नहीं करनी, इज्जत और एहतराम से पेश आना है, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी, ठीक है? ये है बेअदबी नहीं करनी। आज हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने जो है वो पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सेट्स स्टार्ट की थी, जिसमें से मैंने आपको जो है वो थ्री टाइप्स ऑफ सेट्स जो है वो पढ़ाई थी, जिसमें था फाइनाइट सेट, इनफिनिट सेट एंड एम्प्टी सेट। ये तीन हमने जो है वो पहले पढ़ ली थी। अब हम उसी टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और बाकी जो हैं वो टाइप्स जो हैं वो सेट की जो पढ़ते हैं। आज हमने जो स्टार्ट लेना है वो है सिंगल टर्न सेट से, ठीक है? सिंगल टर्न सेट, ठीक है? जैसे कि बेटा आप लोगों को ये नाम नज़र आ रहा है, सबसे पहले है सिंगल, ठीक है? सिंगल, सिंगल से भी समझ आती है अकेला, एक, ठीक है? वाहिद, जैसे कि एक कोई ऐसी चीज़ जो अकेली हो, उसके साथ कोई भी दूसरी चीज़ मौजूद ना हो, उसको कहते हैं सिंगल। सिंगल टर्न से हम जो है वो और ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसा सेट जिसमें एक सिंगल जो है वो ऑब्जेक्ट हो, एक सिंगल एलिमेंट हो या सिंगल जो है वो मेंबर हो, उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल टर्न सेट। अब इसकी एग्जांपल जो है वो हम कुछ इस तरह से लेंगे। फॉर एग्जांपल, अ सेट हैविंग ओनली बी इन इट, ठीक है? या फिर अ सेट ए बाय बी, या फिर अ सेट टू, ठीक है? ये कुछ एग्जांपल्स हैं सिंगलटन सेट की। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। हमें कैसे पता चलता है कि ये इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है? हमें इसके कॉमाज से जो है वो अंदाज़ा होता है कि ये सेट में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। मैंने आप लोगों को जब सेट की जो है वो डेफिनेशन कराई थी और उसमें जो है वो हमने फॉर्मिंग का सेट पढ़ा था, उसमें ये था कि हम जो है वो सेट के तमाम ऑब्जेक्ट्स को है कॉमा से अलहदा करते हैं, ठीक है? तो इसको देखेंगे गौर से, तो इसकी दोनों ब्रैकेट के दरमियान में सिर्फ एक ही जो है वो लेटर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, जिससे हमें पता चल रहा है ये एक ही जो है वो ऑब्जेक्ट वाला सेट है। इसमें देखेंगे, चाहे इसमें दो जो हैं वो आ रहे हैं, इस सेट के अंदर दो लेटर्स आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस इन दोनों के दरमियान में कोई कॉमा इस्तेमाल नहीं हुआ जो कि इनको अलग-अलग ऑब्जेक्ट जाहिर करे, इसलिए ये एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो शुमार होंगे। उसके बाद ये जो टू है हमारा, इस ये भी इसी तरह से ही है कि ये क्योंकि इसके साथ कोई और जो है वो नंबर या कोई और डिजिट इस्तेमाल नहीं हुआ है और ना ही उन दोनों के दरमियान में कॉमा इस्तेमाल हुआ है, तो ये हमारा सिंगल एक ऑब्जेक्ट वाला सेट है। इन तमाम जो है सेट्स, इनको हम कहेंगे सिंगलटन सेट। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो टाइप है वो है इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन सा होता है? ऐसा सेट जिसके तमाम ऑब्जेक्ट सेम हों, ठीक है? सेम हो, उनकी तरतीब जो है वो अलहदा हो सकती है, लेकिन वो जो हैं उनके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम हो। मींस जो है वो अगर उसमें लेटर्स एक में इस्तेमाल हो रहे हैं तो दूसरे में भी वही लेटर्स हों, या फिर एक जो है वो सेट के अंदर कोई डिजिट्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, तो दूसरे सेट में भी वही डिजिट्स वही नंबर्स हों, चाहे थोड़ी सी उनकी तरतीब इधर उधर हो जाए, ठीक है? तो ये हो जाएंगे इक्वल सेट। इनकी एग्जांपल जो हैं वो हम इस तरह से लेंगे। फॉर एग्जांपल, एक सेट है हमारे पास सी विच हैव 1, 2, 3, 4 एंड 5 इन इट, ठीक है? एक हमारा सेट है, उसके अंदर क्या है? 5 डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद है सेट डी विच हैव 3, 4, 2, 1 एंड 5, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास दो जो है वो सेट आ गए हैं,
जिसमें हमारे पास सिर्फ डिजिट्स हैं, ठीक है। अब आप ज़रा बेटा गौर करो, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें काउंटिंग है, 5 तक नेचुरल नंबर्स हैं। और दूसरा जो सेट है उसमें भी वही जो है वो काउंटिंग आई हुई है, वही डिजिट्स आए हुए हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी तरतीब जो है वो बिगड़ी हुई है, ठीक है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 और 5 भी है। मीन्स जो ऑब्जेक्ट इस सेट में है वही ऑब्जेक्ट इस सेट में है, इनकी बस तरतीब का थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। तो ऐसे सेट जो हैं वो क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट। इसके अलावा दूसरी अगर आप एग्जांपल लो तो वो इस तरह से होगी, अ सेट जी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, अ सेट ऑफ वॉवल, और सेट एच इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, सेम, ठीक है। ये दो तरह से सेट होते हैं जिनको हम इक्वल सेट कह सकते हैं। एक तो ये कि इसके ऑब्जेक्ट भी सेम हो और उसकी तरतीब भी सेम हो, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट तो सेम हो लेकिन तरतीब थोड़ी सी जो है वो चेंज हो। तो ऐसे दोनों सेट्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं, क्योंकि उनके ऑब्जेक्ट्स सेम हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है वो है इक्विवेलेंट। ऐसा सेट ये भी इक्वल से ही जो है वो मिलता जुलता है वर्ड है। आप इसको समझने के लिए ऐसे कर सकते हो कि 1 by 1 ऑब्जेक्ट जो है अगर सेम हो तो हम ऐसे सेट को कहते हैं इक्विवेलेंट। कैसे, इसकी एग्जांपल को समझेंगे बेटा। फॉर एग्जांपल वी हैव अ सेट M equals to A B C D and set N equals to 1, 2, 3 and 4, ठीक है। अब हमारे पास ये दो सेट मौजूद हैं, एक है सेट M जिसके अंदर क्या है, A, B, C and D, ठीक है, और दूसरा हमारे पास सेट N है जिसके अंदर है A, 1, 2, 3 and 4। अब ज़रा हम इनको चेक करेंगे, देखने में तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम नहीं है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम नहीं है कि हम देख के कह दें जी ये तो हमारा इक्वल सेट है, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। अब देखें अगर हम इनको मैच करेंगे, We have equal number of objects in these two sets, के हमारे पास इन दोनों सेट में equal number of objects हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे objects same थे, ठीक है, जिससे हम कहते थे कि ये equal set है। अब यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट सेम नहीं है जबकि ऑब्जेक्ट के नंबर जो हैं वो सेम है, मतलब ये कि एक सेट में अगर 4 ऑब्जेक्ट हैं तो दूसरे में भी 4 ही ऑब्जेक्ट हैं। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, चाहे उसके ऑब्जेक्ट जो हैं वो चेंज हो जाएं, ठीक है, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट। अब हमारा जो लास्ट वाला है वो है नॉन इक्विवेलेंट। अब ऐसा सेट जिसके ऑब्जेक्ट भी सेम नहीं, ठीक है, और ना ही उनके नंबर्स सेम हैं, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, नॉन इक्विवेलेंट। सपोज We have X, A, E, F, G, H, and we have Y equals to 2, 4, 6 and 8, ठीक है। हमारे पास अब ये दो सेट्स हैं जिसके जिसका नाम है कुछ इस तरह से, द सेट एक्स इज इक्वल टू ए ई एफ जी एच एंड दिस सेट वाई इज इक्वल टू 2, 4, 6 and 8, ठीक है। हमारे पास ये दो सेट हैं। अब हम ज़रा देखने में तो हमें पता चल रहा है कि ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक में डिजिट्स हैं और दूसरे में अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, लेटर्स हैं। अब हम ज़रा गौर करेंगे कि क्या इसके नंबर ऑफ जो है वो ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं। तो ज़रा इसको मैच कर लेते हैं, ठीक है।
अब आप जरा गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक सेट के दूसरे सेट से नहीं मिलते। ना तो ऑब्जेक्ट सेम है और ना ही उनकी क्वांटिटी सेम है, ठीक है। मतलब ये कि एक में अल्फ़ाबेट्स हैं और दूसरे में जो है वो डिजिट्स हैं, और दूसरी बात ये कि एक के अंदर 5 अल्फ़ाबेट्स हैं और दूसरे सेट के अंदर 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। मतलब ये कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी सेम नहीं है, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, नॉन इक्विवेलेंट। एक मतलब फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट, सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल जो है वो कोई भी चीज़ मौजूद हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट है। और दूसरा जो हमारा आज हमने पढ़ा वो ये था कि ऐसा सेट जिसके ऑब्जेक्ट्स सेम हो, चाहे उनकी तरतीब डिफरेंट हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट। फिर द थर्ड वन था कि ऐसा सेट जिसके ऑब्जेक्ट्स चाहे सेम ना हो, लेकिन उनके नंबर, उसका जो उनके जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम हो। मतलब अगर एक में 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो दूसरे में भी 4 हो, एक में 7 ऑब्जेक्ट्स हैं तो दूसरे में भी 7 ऑब्जेक्ट्स हों। और द लास्ट वन था नॉन इक्विवेलेंट, तो उसमें ये था कि ना तो इसके नंबर जो हैं वो सेम होंगे और ना ही उसके ऑब्जेक्ट्स सेम होंगे। मतलब ये कि ना तो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मिल रहे होंगे और ना ही दोनों में द सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे। मतलब एक में अगर 4 हैं तो हो सकता है दूसरे में 10 हों, या एक में 6 हैं तो हो सकता है दूसरे में 11 हों। मतलब चेंज होंगे, तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं, नॉन इक्विवेलेंट। ये कुछ सेट्स की हमने टाइप्स जो हैं वो अब हमने पढ़ी हैं, और इसके इंशाल्लाह जो बाकी दो टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अभी आपके करने का काम बेटा ये है कि आप लोगों ने अपनी बुक का पेज नंबर 11 खोलना है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस जो हैं ये आपके रिलेट करते हैं इस टॉपिक से, तो आपने इसको सॉल्व करना है। आपने ढूंढना है कि आया ये वाले सेट जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं हैं, ये इक्वल हैं कि इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने सर्च करना है, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क है, उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।